इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्नाव में एक बार फिर एक बच्ची की रेप करने की कोशिश हुई है, जिसमें कि लोगों ने आरोपी को पकड़ के और जमकर पीटा है। आपको बता दें कि उन्नाव मामले में दुष्कर्म पीड़िता को जिंदा जलाए जाने के बाद भी ये जो मामला है रेप का, वो ठंडा नहीं हो रहा है और एक एक करके इस तरह के सनसनीखेज वारदात को अपराधी जो है अंजाम दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जनपद में एक 3 साल के मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास की घटना सामने आई है। गनीमत रही कि बच्ची के शोर करने की वजह से वहां पे ग्रामीण जो है इकट्ठा हो गए और आरोपी को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना माखी थाना इलाके की है, जहां एक गांव की 3 साल की मासूम घर से कुछ दूरी पर खेत के तरफ खेलने के लिए गई थी। तभी वहाँ से गुजर रहे एक 16 साल के लड़के ने उसको खेत में जाते हुए देख लिया था। वह भी मासूम के पीछे पीछे खेत में पहुंचा और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इस दौरान मासूम के रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के ग्रामीण जो है खेतों के पास दौड़े खेतों के तरफ। इसके बाद युवकों ने भागने की प्रयास किया, लेकिन उनका प्रयास असफल रहा और ग्रामीणों ने उसे दबोचकर जमकर पीटा। इसके बाद ग्रामीणों ने जमकर लड़के की पिटाई की और लड़के को माखी थाना पुलिस में सौंप दिया। SP विक्रांत वीर ने तत्काल आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म करने के लिए पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है और मासूम का मेडिकल करवाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ जारी है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है, आप बताइएगा और ध्यान रखिएगा अपने आसपास, ताकि किसी भी मासूम की ज़िंदगी बचाया जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।